नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप है हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड। रूबरू होते हैं आज की खास खबरों के साथ। आज रविवार को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर झारखंड के विद्यालयों में बांग्ला भाषा की पढ़ाई की मांग पर गौरीकुंज यूनियन समिति के अध्यक्ष तापस चटर्जी के नेतृत्व में सर्कस मैदान दाहीगोड़ा से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक तक पद यात्रा निकाली गयी। इस दौरान सरकार से मांग की गयी कि राज्य में सबसे ज्यादा बांग्ला भाषा बोली जाती है। बांग्ला किताब नहीं रहने से बच्चों की पढ़ाई में बहुत दिक्कतें होती है। मौके पर गौरीकुंज के अध्यक्ष तापस चटर्जी, कंचनकर, संदीप चंद्र साधु, चरण पाल, साधना पाल, सुनील सरकार, मृणाल कांति विश्वास, सुनील सिंह, तपन कुमार महतो, अदल घोष, अमित सिंह एवं संगठन में सांस्कृतिक संसद गौरी उन्नयन समिति विभूति स्थिति पटकार निखिल भारत वन साहित्य के अन्य लोग उपस्थित थे। धारशिला से सिद्धार्थ आनंद एवं आदित्य प्रसाद। বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, স্কুলে স্কুলে বাংলা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, সাপ্লাই করতে হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় শিক্ষা চাই, বাংলা ভাষাকে প্রাথমিক থেকে কলেজ স্তরে বাংলা পড়াতে হবে। বাংলা ভাষায় শিক্ষা চাই, শিক্ষা চাই। यात्रा का विषय है हम लोग का आज आंतर्जातिक अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भाषा दिवस है। इसी के तहत हम लोग आज भाषा दिवस के तहत आज हम लोग ये पदयात्रा निकाले हैं कि झारखंड में सभी सरकारी स्कूल में और सभी स्कूल में सरकारी बेसरकारी जितना भी स्कूल है गैर सरकारी सभी स्कूल में बांग्ला भाषा में बांग्ला माध्यम में पढ़ाई हो, ये हम लोग चाहते हैं। उसी के मांग पर घाटशिला और मुसाबनी के जितने भी बांग्ला भाषावादी संगठन हैं सभी संगठनों ने आज इस पदयात्रा में भाग लिया है ना। और हम लोग चाहते हैं यहाँ 42% बांग्ला भाषा भाषी है झारखंड में, लेकिन झारखंड में एक समय यहाँ का 85-90% स्कूल में बांग्ला पढ़ाया जाता था, लेकिन आज बांग्ला किताब के लिए सिर्फ और सिर्फ आज बांग्ला शिक्षक है, सिलेबस में बांग्ला है, लेकिन बांग्ला किताब नहीं है बोल के हमारे बच्चा बांग्ला मातृभाषा में पढ़ाई नहीं कर पाते। इसी के तहत आज हम लोग उसका विरोध में इसके मांग पर कि झारखंड में हर स्कूल में जितने भी झारखंड के कोना कोने में स्कूल है हर स्कूल में बांग्ला माध्यम में पढ़ाई हो, इसीलिए आज हम लोग यहाँ जुटे हैं और ये पदयात्रा किए हैं। कहां तक सर्कस मैदान से सुभाष चौक तक आके हम लोग शहीद वेदी में फूल चढ़ा के उसके बाद हम लोग आज यहाँ एक छोटा सा सभा किए और सरकार के मांग किए कि यहाँ पर बांग्ला पढ़ाई शुरू हो। घाटशिला थाना क्षेत्र के लालनी रेलवे फाटक के समीप अनियंत्रित वैगनार कार के चपेट में आने से दो लोग बुरी तरह घायल हुए। दोनों घायलों के इलाज के लिए कार मालिक सहकारी चालक शान मल्लिक एवं भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष कृष्ण शर्मा सुरेश रेवानी ने घाटशिला के सिंह नर्सिंग होम अस्पताल पहुंचाया। कार चालक ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि अचानक टेम्पो के आने से ब्रेक के जगह एक्सीलेटर दब गया जिससे यह दुर्घटना घटी। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद एवं आदित्य प्रसाद की। तिरुली थाना क्षेत्र के स्वर्णरेखा नदी के कई बालू घाटों में आज तिरुली थाना प्रभारी राकेश मुंडा के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाई गई, जिसमें तिरुली घाट से पुलिस ने दो ट्रैक्टर को जब्त किया जबकि कई ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को लेकर फरार हो गए। इधर अवैध बालू उठाव के छापेमारी से क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। छापेमारी से ट्रैक्टर मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। जहाँ रोजाना दर्जनों ट्रैक्टर बालू लेकर सड़कों पर बेखौफ चलते हुए देखे जाते थे, वहीं आज सड़क में एक भी ट्रैक्टर दिखाई नहीं पड़ रहा है। जीटीएन से अफरोज मंडी की रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कृषि कानून के विरोध में मांगो गांधी मैदान से डीसी ऑफिस तक एक जुलूस निकाली गई। सभी लोग इस कृषि कानून का विरोध कर उसकी कड़ी रूप से निंदा कर रहे थे। मौके पर मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जमशेदपुर से मोहम्मद कलीम की रिपोर्ट। विरोध हो रहा है और जो बीते दिन इस भारत सरकार ने जिस तरह से किसान के लिए बिल लाए थे उस बिल को देखते हुए पूरा भारत देश में जितने भी किसान समुदाय हैं विरोध कर रहे हैं। बस यही है कि इसके लिए आज इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा मोर्चा की ओर से इस बिल के विरोध में आज पैदल मार्च करके इसको ज्ञापन दिया जा रहा ताकि राष्ट्रपति के पास उनको ज्ञापन भेजा जाए और इस किसान बिल को समाप्त किया जाए। विधायक जी, इतना बड़ा भीड़ का परमिशन था, कोविड है,
तमाम परेशानियां हैं, सरकार जूझ रही है, आपकी सरकार भी जरूर जरूर होगा। इतना भीड़ का परमिशन था? भीड़ तो कहाँ है, आप तो देख रहे हैं आज पूरा देश में किसान विरोधी बिल के खिलाफ आंदोलनरत है। तो किसान अपने मांगों पर अड़े हुए हैं, केंद्र सरकार द्वारा तक किसान विरोधी बिल लाया गया उसका वापस लिया जाए। आज इसको लेकर के हमारा झारखंड में भी महागठबंधन जो है पूर्ण रूप से उस आंदोलन को समर्थन करती है। आप देख ही रहे हैं कहीं रामगढ़ में, कहीं कुछ में, कहीं कांग्रेस, कहीं झामुमो, विभिन्न जिला में जिस तरह किसान आंदोलन कर रहे हैं वहाँ उस तरह का हमारा महागठबंधन दल के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आज पूर्वी सिंहभूम जिला में भी यह किसान आंदोलन के लिए घोषणा किए हुए हैं, जिसमें पार्टी की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा उस आंदोलन को समर्थन करती है और मांग करती है कि किसान का मांगो जायज है और उनका जो मांग है कि बिल, किसान विरोधी बिल को वापस किया जाए, इसका समर्थन में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा किसान समर्थन में आज यहां प्रदर्शन कर रही है। केंद्र सरकार की कॉरपोरेट ट्रस्ट जन विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन और स्वतंत्र फेडरेशन के आह्वान पर साक्षी के बिरसा मुंडा चौक पर क्रमिक भूख हड़ताल सह धरना का आयोजन किया गया। मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित। जमशेदपुर से मोहम्मद कलीम की रिपोर्ट। देश के अंदर श्रम कानूनों को खत्म किया जा रहा है, कृषि कानूनों में बदलाव हो रहा है, बेरोजगारी देश के अंदर बढ़ रहा है, मजदूरों की छटनी जारी है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ों को देखा जाए तो एक तरह से जनता पर कुठाराघात है और इन्हीं कुठाराघात से उभारने के लिए देश के तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा पूरे देश में ये मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन है। मजदूरों के समर्थन में ये आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसकी कड़ी जमशेदपुर शहर से भूख हड़ताल करके हम लोगों ने ये सरकार को संकेत देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर इस पर भी इनका निंद नहीं हुआ खुला तो संसद से लेकर के सड़क तक तो आंदोलन होगा ही, लेकिन उद्योग धंधे में जो काम करने वाले मजदूर है वो सड़क पर आकर के इनको गति से उतारने का काम करेंगे। जमशेदपुर के परसुरी थाना अंतर्गत करंडी SS हाई स्कूल मैदान का समतलीकरण एवं सौंदर्यकरण का कार्य शिलान्यास पोटला के माननीय विधायक संजीव सरदार ने आज ऑनलाइन उद्घाटन किया। मौके पर कई सारी योजनाओं का शिलान्यास जैसे PCC सड़क निर्माण, घाट निर्माण और कई तरह की योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य आज माननीय विधायक संजीव सरदार के द्वारा किया गया। उन्होंने GTN को बताया कि ऐसे कई और योजनाएं हैं जिन्हें विगत कोरोना काल के बाद बहुत जल्द धरातल स्तर पर किया जाएगा। मौके पर मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू, SS हाई स्कूल के प्रिंसिपल मनोज नाहा, मुखिया मोनिका हेमरा, मनोज मुर्मू, सेरू खान उपस्थित थे। जमशेदपुर से शहजादा खान की रिपोर्ट। अखिल अखाड़ा गैताडी द्वारा वार्षिक समारोह में उपस्थित हमारे कोटका विधानसभा के विधायक माननीय संजीव सरदार जी, पूर्व विधायक शाह, TSA के मेंबर्स सनातन माझी जी, इस क्षेत्र के मुखिया मोनिका हेम्ब्रम जी, इस SS हाई स्कूल के प्रिंसिपल शोभा कुजूर जी और अखिल अखाड़ा के संचालनकर्ता अर्जुन टुडू जी, अध्यक्षता दिल बहादुर जी, और आज इस समारोह में जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत 22 पंचायतों में अलग अलग समस्याओं का उद्घाटन, समस्याओं को विकास को तेजी करने के लिए उद्घाटन किए गए और यह उद्घाटन विगत MLA चुनाव में अलग अलग गांव में अलग अलग पंचायतों में वादा किया गया था, उस वादा को आज हम लोग करंडी SS हाई स्कूल में ऑनलाइन के जरिए शिलान्यास कर उस वादा को, जनता का वादा को हम लोगों ने पूरा करने का काम। आपका पूरा परिचय? हमारा पूरा परिचय जमशेदपुर प्रखंड अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा बहादुर किस्कू। आज हम लोग इस कोटका विधानसभा अंतर्गत जमशेदपुर प्रखंड में इस अखिल अखाड़ा के वर्षों का मांग था, इस वर्षों का मांग था कि मैदान समितिकरण हो, इसको चुनावी वादा में हम लोग लिए थे। आज वादा के तहत, इस कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर प्रखंड में 14 योजना का आज ऑनलाइन हम लोग शिलान्यास किए।
ताकि इस क्षेत्र में हम लोग चुनाव का समय में जो भी चुनावी वादा किए थे उस वादा को जनता को भी ले जाके पूर्ण कर सके और किए आज क्या क्या नए योजनाएं ला रहे हैं और आने वाला दिन में इस पोटका विधानसभा क्षेत्र की जनताओं को हमारा इस पोटका विधानसभा 3 प्रखंड आते हैं जैसे कि जमशेदपुर प्रखंड पोटका प्रखंड और डुमरिया प्रखंड इस प्रखंड में हम लोग जैसे ही इस क्षेत्र की जनता विधायक रूप में देखा तैसे ही हम लोग तीनों कार्यालय तीनों प्रखंड में खोले हैं और उस कार्यालय से हम लोग चाहते हैं कि यहाँ की जनताओं को प्रति यहाँ की लोग जनताओं को लिए स्वास्थ्य संबंधित और पेयजल संबंधित और यहाँ से जो कचरा से संबंधित उठ उठाव के लिए हम लोग कोई योजना लेके आए हैं ताकि पहले आओ और पहले पाओ के तहत इस योजना को उस विधायक कार्यालय से मिले और इस संबंधित जैसे कि एम्बुलेंस हम लोग 24 घंटा पहले और पहले पाओ जो भी मोबाइल द्वारा उस कार्यालय में संपर्क करेगा उनको एम्बुलेंस मिलेगा इस राज्य के साथ साथ इस देश में कोई भी हॉस्पिटल ले आ जाने के लिए उसके साथ साथ हमारा शादी घर श्राद्ध घर छठियारी घर और कहीं पानी की जरूरत होता तो पानी का व्यवस्था नहीं हो पाता इसके तहत पहले और पहले पाव के तहत जो भी फोन के माध्यम से सूचना उस कार्यालय में देगा उसमें पानी का उनको व्यवस्था मिल पाएगा और उसके साथ साथ उस कार्यालय से इस क्षेत्र के मलेरिया को प्रकोप को और मच्छर को प्रकोप को रोकने के लिए हम उस सप्ताह में फोगिंग द्वारा फोगिंग मशीन के द्वारा फोग करवाएंगे ताकि मलेरिया का प्रकोप कम हो और साथ साथ जहां भी ट्रांसफार्मर खराब होता है उसके बाद ले आने ले जाने के लिए कार्यालय कार्यालय तक विभाग विद्युत विभाग कार्यालय तक अपने से गांव वाला चंदा करते हैं उसके निजात पाने के लिए टेम्पू का भी हम लोग व्यवस्था कराए हैं ताकि सूचना देने से पहले और पहले पाव तक हम लोग दे पाएंगे और इसके साथ साथ हम लोग मुहिम के तौर पर आज सुंदरनगर से लेके बागवाड़ा आए या पूरा हमारे विधानसभा में जहाँ भी कचरा का ढेर मिलेगा उस कचरा को उठाव करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी के माध्यम से मुहिम के तौर पर हर संडे के लिए हम लोग उसको उठाव को उठाव करके उस कचरा को उठाव करेंगे ताकि वहाँ पे अच्छा वातावरण और हो और उसको उस बस्ती को अच्छा माहौल मिले।